यामाहा तो वैसे भी अपने भी आइडियाज और इनोवेटिव के लिए जानी जाती है, तो इस Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah. No, I don't wanna waste what's left. And on we'll go. तो हेलो एवरीवन, दिस इज श्वेतांजल, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइज कैसे हो आप सब? तो गाइज आज मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ बहुत ही प्यारी मशीन। स्टार्ट करते हैं वीडियोस के फ्रंट से। तो इसकी जो आईज आप देख रहे हैं, तो ये काफ़ी मॉन्स्टर लुक में दिया हुआ था और वर्जन वन में भी लोगों ने काफ़ी पसंद किया। फिर इसके नीचे आपको इसकी प्रोजेक्टर लाइट देखने को मिल जाएगी, जो कि बहुत ही खूबसूरत है, जो इसको एक पूरा मॉन्स्टर लुक देती है। और अगर कंपैरिजन करूँ इसकी वर्जन वन से एमटी की, तो इसमें पहले फ्रंट से ही इसमें चेंजमेंट चालू हो चुका है, जो कि दिखा रहे हैं। इसके शॉकर आपको दिखाना चाहूँगा। जो वर्जन वन के शॉकर थे वो काफ़ी मतलब इसे पतले भी थे और इतना अट्रैक्टिव लुक नहीं था उनका। और पहले से इसका परफॉर्मेंस लेवल बढ़ाने के लिए एडजस्टेबल शॉकर दिए हुए हैं, जो कि इसमें एक अलग ही लुक दे रहे हैं बाइक का। फायद करते हैं इसके लेफ़्ट साइड से, तो यहाँ पर काफ़ी कुछ चेंजमेंट करा हुआ है। पहले तो आप इसके इंजन के पास से कवर की बात करूँ, तो इंजन कवर भी गाड़ी का चेंज हुआ है। वर्ज़न वन में ये नहीं था, वर्ज़न टू में ये चेंजमेंट किया हुआ है। और जो इसकी यहाँ देख सकते हैं, इसकी एमटी ने अपनी ब्रांडिंग भी की हुई है, ये भी बहुत ही प्यारा लुक इसका दे रही है। और ब्रेक की बात करूँ तो ब्रेक में भी चेंजमेंट देखने को मिला है। पहला जो इसका गार्ड दिया हुआ था, लेग गार्ड दिया हुआ था, तो उसको मतलब शिफ्ट करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती थी, बट ये जो गार्ड दिया हुआ है ये बहुत ही स्मूथ कर दिया गया। तो ये काफ़ी मेजर चेंजमेंट जो लेफ्ट साइड से इन्होंने किया हुआ है। आइए बात करते हैं इसके बैक पोर्शन की, तो बैक पोर्शन में भी काफ़ी चेंजमेंट किया हुआ है। वर्जन वन में काफ़ी प्रॉब्लम थी, जो बैक साइड इशू आ रहे थे एबीएस के पास, तो यहाँ से भी गाड़ी को थोड़ा सा बढ़ा दिया गया हुआ है। तो ये भी एक बहुत माइनर सा चेंजमेंट है। और पीछे से खास पीछे से टेल लाइट में तो कुछ चेंजमेंट नहीं किया हुआ है। राइट साइड में आते हैं, अगर बात करूं इसके इंजन पावर की, तो इंजन पावर वर्जन वन से तो सेम ही है, और जो कि प्रोड्यूस करता है 18.4 10,000 आरपीएम में। तो ये भी काफ़ी अच्छी बात है, इम्प्रेसिव है यामाहा की। जो इस सेगमेंट में गाड़ी की बात करूं, तो गाड़ी 155 सीसी गाड़ी है, जो कि मैंने लास्ट अगर इसको चला के देखा है, जो कि मैं इसको 110 ले गया हूं, मगर 110 में भी गाड़ी बहुत तबाही भाग रही थी। और बात करूं इसके टैंक की, तो टैंक में भी कोई चेंजमेंट नहीं है वर्जन वन के कंपेरिजन। मगर ओवरऑल व्यू की बात करूँ, जो सीटिंग कम्फर्टेबल की बात करूँ, ये भी बहुत प्यारा दिया। और टैंक की जो इसकी स्पेस है टैंक का, तो 10 लीटर का इसका स्पेस है। और टैंक में यार सबसे ज़्यादा मुझे खूबसूरत ये लगा, जिस तरीके से यामाहा तो वैसे भी अपने काफ़ी आइडियाज़ और इनोवेटिव के लिए जानी जाती है, तो इसका जो टैंक का लुक दिया हुआ गाइस वो भी बहुत ही प्यारा दिया हुआ है। और जो भी कुछ चेंजमेंट थे मैंने आपको सारा इस वीडियो में कवर किया हुआ है। आइए चलते हैं इसके मीटर के पास और दिखाता हूँ, की स्टार्ट करता हूँ और दिखाता हूँ किस तरीके का लुक है। भाई साहब देख रहे हैं कितना गजब का मीटर स्टार्ट हुआ है इसका, और कम मतलब काफ़ी कुछ चेंजमेंट इसमें किया हुआ है वन और टू में। और गाड़ी की अगर बात करूं, तो गाड़ी यार अपने आप में एक तबाही लुक देती है। एमटीआर इस समय सबसे ज़्यादा यंगस्टर्स की पहचान है, पसंद है। लोग जितने भी आजकल परचेस कर रहे हैं यहाँ है MT15 के ऊपर कुछ ज़्यादा ही मतलब प्रेफरेंस दे रहे हैं। और वर्जन टू तो यार काफ़ी कुछ चेंजमेंट किया हुआ है वर्जन टू में, और दिखाना चाहूँगा गाड़ी कुछ गंदी हो रखी है, बट साफ़ होने के बाद और ही इसका लुक बहुत ही प्यारा दिया रहा है। और बाकी अगर मैं चाहूँगा तो यामाहा इससे एक ये रिक्वेस्ट ज़रूर करना चाहूँगा कि सिंगल चैनल ABS पे गाड़ी है, तो डुअल चैनल ABS पे जब ये गाड़ी मतलब लॉन्च करे, तो यार इस समय इतनी भागने की स्पीड की बात करूँ तो स्पीड टेस्टिंग में भी गाड़ी बहुत अच्छी चली हुई है, बट अगर डुअल चैनल ABS पे ये गाड़ी होती तो और अच्छी लगती, क्योंकि इतना हाई सीसी का इंजन देने के बाद जब ब्रेकिंग की बात करूं, तो ब्रेकिंग में कहीं ना कहीं इशू क्रिएट होगा। तो ये चीज़ यामाहा वालों को थोड़ा सा देखना चाहिए। बाकी ओवरऑल बाइक की बात करूं, तो बाइक बहुत ही खूबसूरत बाइक है ये। और जिन भाइयों को ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो, तो गाइस मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो, और ऐसे ही अमेजिंग वीडियो देखने के लिए श्वेतांजल व्लॉग्स पे बने रहें। तब तक के लिए बाय बाय।